आज फिर से मैं नया टॉपिक लेके आई हूँ। वो टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है। करीब मतलब थोड़ा हार्ट टच वाला टॉपिक है मेरे लिए, क्योंकि थोड़ा अब मैं सॉरी किसी को मेरी वीडियो बुरी लगे, पर कोई बात नहीं, ये एक प्लेटफॉर्म है अपनी जरिए अपनी बातें बताने का, तो मैं इसलिए बता रही हूँ। और ये औरत की ना, हर एक औरत की कहानी होती है। जो टॉपिक मैं आज लेके आई हूँ, उस टॉपिक का नाम है परमिशन। परमिशन लेना, वो परमिशन चाहे किसी चीज को लेकर हो, चाहे जॉब को लेके हो, चाहे नाचने गाने को लेके हो, चाहे हंसने को लेके हो, चाहे मायके जाने को लेके हो। और वो परमिशन तो मेरे को लगता है हर एक औरत, हर एक लड़की झेलती है। लड़की मतलब जो शादी से पहले परमिशन होती थी ना, वो हम समझते थे कि वो हमारे लिए सही नहीं है। जैसे अनसेसरी का घूमना फिरना, बाहर जाना, नाइट अपने फ्रेंड्स के घर जाना, वो हमारे माँ बाप मना करते थे, वो हमें पता था। आज का माहौल कैसा है, पहले का माहौल कैसे होते थे, तो मुझे वो अच्छा लगता था, चलो उसके लिए माँ बाप मना कर देते हैं, वो समझते हैं। पर जब एक लड़की की शादी होती है, जब वो अपने मायके जाने की परमिशन लेती, तब उस लड़की को क्यों नहीं मायके भेजा जाता? एक तो उसे परमिशन लेनी पड़ती है, वो भी किससे? तीन तीन इंसानों के, चार चार इंसानों से, जो घर पे बड़ा हो, दादा हो, दादी हो, सास ससुर हो, पति हो, सबसे परमिशन लेके। अपने ही मायके जाने के लिए परमिशन की जरूरत क्यों यार? वो भी तो हमारा घर है। और हाँ, जब तक बोलते कि मायका ससुराल हो गया, वो हम अब ससुराल, अब मोहमाया छोड़ दो जी, मायके की मोहमाया छोड़ दो। कैसे? जिन्होंने हमें पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, हमारा लंगोट पॉटी शूसू सब साफ किया, उन्हें कैसे छोड़ दें यार? नहीं छोड़ सकता ना। पर बस वही है कि उन्हीं के पास जाने के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती है। कि खुद से कभी होता है ना कि ससुराल वाले बोल दें, जा बेटा तू घूमा, जा तू घूमा, तू करा, तू जहाँ जाना है जा, अपने मम्मी पापा से मिला। मैंने कभी भी किसी ससुराल वालों से कभी नहीं सुना कि तुम जाओ, तुम रह आओ, तुम्हारा मन होगा, तुम 7-8 महीने साल भर से यहीं रह रहे हो, तुम जाओ घूमाओ, तुम्हारा भी मन है। मायका एक ऐसी, मतलब जिनका मायका है ना टचवुड, वो बहुत खुश नसीब है। और जिनका नहीं है ना, वो अब क्या कर सकते हैं यार? मुझे किसी का फील, मतलब मैं किसी को वो नहीं बता रही कि हाँ मेरा मायका है, तो मैं वो बता रही हूँ। अब जिनका मायका होने के बावजूद भी जो नहीं जा पाती, वो उनके दिल को पूछो कि कितना बुरा लगता है। पर कई बार होता है कि ससुराल वाले, जिनके ससुराल वाले, जैसे कि होता है मेरे ससुराल वाले, मैं एक बार बोलती हूँ मुझे मायके जाना, वो हाँ कर देते हैं, हाँ चली जा, वही है। पर उन लड़कियों के लिए जो मायके जाने के नाम से डरती हैं कि अगर हमने परमिशन मांगी, या फिर कलेश होगा, या फिर जाने नहीं दिया जाएगा। क्यों यार? मायका है उसका, माँ का घर है, भाई का प्यार है, बचपन में खेला है उससे। मतलब मुझे मायके के शब्द से ही ना आंखों से ऐसे आंसू आने शुरू हो जाते हैं। मैं सोचती हूँ यार, सबका मायका, सबका प्यार करने वाला, जब तक माँ बाप होते हैं ना, तब तक उस घर में जाने की इच्छा होती है। जब तक माँ बाप नहीं है, तो उस घर के, मतलब तब भी इच्छा होती है, क्योंकि आंगन तो वही है ना, अपने माँ बाप की परछाई तो वहाँ झलकती है ना। तो प्लीज, जो जो ससुराल वाले मेरी वीडियो देखेंगे ना, जो सास ससुर कलेश मचाते हैं बहू के मायके जाने पे, ना करें यार। क्योंकि बहुत उम्मीदें होती हैं एक बहू को भी, कि वो चाहे 22-23 साल की, बचपन उसका वहाँ पे है। आप खुद अपने बेटे को किसी के घर में 10-12 साल के लिए रख लो, फिर उससे परमिशन, वो भी परमिशन लेके आएगा, क्या आप रह पाओगे उनके बिना? नहीं ना। आज मैं तो नहीं रह पाऊंगी अपने बेटों के बिना भाई। पर सैल्यूट है कि जो बेटे, जो बेटियां, जो माँ बाप अपनी बेटियों का कन्यादान करते हैं, इतनी दूर भेजते हैं, वो भी किसी और के सहारे, एक विश्वास के साथ, तो वो भी उम्मीद करते हैं कि हमारी बेटियां आएं, सब कुछ प्यार प्यार से रहें, प्यार से ससुराल वाले रखें। पर वही है परमिशन, हर जगह परमिशन। पर मेरे को तो सबसे बुरा वही लगता है कि अपने मायके जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। चलो अच्छी बात है, बड़ों को पूछ के जाना, वो अच्छी बात है, पूछ के जाओ, पर फिर जाने के नाम पे कलेश होना कि क्या करना जाके, क्या होगा जाके, क्या करना है तुमने, घर पे काम नहीं। भाई तुम्हारे काम तो हमारे बिना भी होते थे ना पहले, जरूरी थोड़ी कि बहू वहीं रहे तो तभी काम होंगे, खाते पीते तो तुम भी तब भी थे। पर वही है कि ये परमिशन लाइफ में नहीं होनी चाहिए यार। वही है कि परमिशन दो तो खुश के, खुल के, खुशी होके अपनी बहुओं को मायके भेजें और प्यार से रहें। तो बताना मेरी वीडियो किस किस को अच्छी लगी, किस किस को, मतलब
कौन कंसर्ट करता है मेरी इस वीडियो को, परमिशन नहीं होनी चाहिए हमारी लाइफ में। ये है कि हमारी भी इच्छा है, हमें भी पता है हमें कब मायके जाना है, हमें कैसे मायके जाना है, हमें कौन से टाइम पे मायके जाना है, वो सब हमें पता होता है। इतने बेवकूफ़ हम भी नहीं होते, क्योंकि अक्ल सबको होती है। ये बोलो कि नहीं नहीं शादी में नहीं होती अक्ल, वो अलग बात है, पर शादियों के बाद तो सबको अक्ल आती है यार। और वैसे भी चलो मेरी वीडियो दिल पे मत लेना, बस ऑब्जर्व करना, सोचना कि यार हर किसी को अपना हक है अपनी ज़िंदगी जीने का, तो उसे जीने दे और उड़ के खिलखिला के मस्ती से वीडियो देखना अच्छे से। और जिसको लगता है कि उसकी वीडियो मेरी मतलब मैच कर रही है मेरी बातों से, तो वो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करना मेरी वीडियो को, ठीक है। और भी मैं बहुत सीरियस और फनी मोमेंट लेके आऊँगी आपके पास। बस ये है कि खुश रहें। बाय बाय।